थोड़ा आपको पूरा धस गया दीदी लोग आ गए हैं आ गए। चलिए अब हम लोग प्रार्थना साथ मिल के कर ले रखो है दीदी अब परिचय शुरू कर रहे हैं सब अपना अपना भी परिचय दीजिएगा सभी दीदी को प्रणाम मेरा नाम है उर्मिला देवी मैं लक्ष्मी का स्वयं सहायता का अध्यक्ष हूँ और राधा ग्राम संगठन का भी अध्यक्ष हूँ और सागर जीव का संकुल स्तरीय का सदस्य हूँ सभी भैया दीदी को प्रणाम मेरा नाम है तारा देवी शिव गुरु जीविका को स्वयं सहायता को मैं कोषा अध्यक्ष हूँ और राधा जीविका को मैं उपाध्याष हूँ सभी भैया दीदी को प्रणाम ना, मेरा नाम गिरजा देवी बजरंग बल स्वयं सहायता का मैं अध्यक्ष हूँ और राधा जीविका ग्राम संगठन का मैं सचिव हूँ सागर सी एल एव संकुल का मैं कोषाध्यक्ष हूँ सब दीदी को मेरा प्रणाम ना, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं क्षेत्रीय समन्वयक ए सी के रूप में मुजफ्फरपुर से बदली होकर के आपके डोभी ब्लॉक में आया हूँ और कुछ आज के मीटिंग में हम सोचे कि आप लोग से अपना परिचित भी परिचय भी दे दें आप लोग का भी परिचय जानकारी ले लें और कुछ एजेंडा है ऑफिशियल तरफ से हमारे तरफ से जो कि आपके एजेंडा में हम शामिल करेंगे उस पर हम विशेष रूप से पीछे में चर्चा करेंगे बुक कीपर भैया सभी को उपस्थिति ले लीजिए सभी अपना अपना उपस्थिति दर्ज कराइएगा दीदी ठीक ना गुलाब समोसा दैज सचिव कोसा दयाज चलिए दीदी एजेंडा शुरू करते हैं अब आप लोग के भी तरफ से कोई एजेंडा है तो भैया से लिखवा दीजिए मेरे तरफ से एजेंडा है कि गरीब परिवार जो छूटे हुए हैं उनको समूह में जोड़ना और समूह में जोड़ना दीदी गरीब परिवार को समूह में जोड़ना एक अच्छे भ्यू का लक्षण है कि नहीं दीदी ये हमारे का सात सूत्र का भाग्य भी है तो यही आज मेरे तरफ से एजेंडा है लिखिए बुक की पर भैया ठीक है दीदी लिख रहे ठीक है दीदी लिख रहे हैं आज का एजेंडा जो लिखा रहे दीदी तो अब हम पहला एजेंडा पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है पहला एजेंडा था दीदी की छुटे हुए परिवार को जोड़ना वो लिस्ट यहाँ आ गया है उन लोग के नाम है सुनैना देवी मनोज चौधरी गीता देवी मुकेश चौधरी मुन्नी देवी चंद्राजीत चौधरी कांती देवी कमलदेव मिस्त्री तीन महादलित हैं दीदी और एक सदा से पिछड़ी जाति से हैं ठीक है दीदी आप लोग समाज गए ना मीटिंग के बाद दीदी समाज सुधार के दीदी जो हैं तीनों दीदी चारों के घर जा कर के उन लोग के समूह के बारे में समझाइएगा और समूह से जोड़ने के लिए उन लोग को कहिएगा समाज सुधार के तीनों दीदी आए हैं ना आदे आदे। आदे। तो उन लोग के मीटिंग के बाद उन लोग के घर जा करके चारों के घर समूह के बारे में आप लोग समझाइएगा और अगले मीटिंग में हमको इसको रिपोर्ट दीजिएगा हाँ दीदी ठीक है अब आगे का एजेंडा पर दीदी बात करते हैं जी दीदी घरे है दीदी हाँ घरे ही खोला दीदी का दीदी खोलवा दीदी तो समझावे ले ये दीदी खोले थे यो। खोलो दीदी प्रणाम दीदी प्रणाम दीदी कैसे समाचार हो सब ठीक हो है भी समूह जोड़े दीदी हम समूह ने हम गरीब वाली दीदी जब समूह ने जुटाली न दीदी तब बचत करे लीख गल दीदी हम बचत से जमा करे दीदी पैसा है आमदनी कुछ है ना आप, आप न दीदी ते तो खाना के बनावा है दीदी दीदी ते तो दीदी ते खाना बनावा है ते तो मुट्ठी काट के चावल रखवा है को दीदी के मनो भूखल रह जीत दीदी ना वो तो चावल जरा सा मुठी काट के मुठ्ठी काटके दीदी हफ्ता हाँ में एक किलो चावल हो है तोरा बेच देवा तू तो दस गो रुपये ना होते दीदी होते नमा करते ठीक है रखल एक, एक मुठ्ठी बचत करिये दीदी हाँ दीदी अच्छा तो काम बतैला जानवे न करा लियो दीदी समूह ने कह होता है दीदी तो हरे ऐसा हमू गरीब हाली दीदी आज बचत करे थी हमने बारह गो मिल के तो लेन देन आपसी ने करे थी दीदी हमें सब ना जानिए है देखा दीदी तुम महाजन वहाजन ले दीदी ले दस रूपए बतला दस रूपये ले हा दीदी ता हमने मतलब दो रूपया है अगर हमने पाँच सौ रूपया ले हि तो महीना ने दस गो रूपया होबा है तब ओकरा ने कह देवा दीदी पाँच सौ लेवा तो पचास गो रूपया देवा और तोहरा एक रुपया फायदा ना ने है कि अपना दो गो रूपया है हाँ तो हमारे बारह गो दीदी के होता है अपन पैसा लगे दीदी तो सुधिया को सुध तो खो जाते। हाँ दीदी शुद्ध लिए है दीदी से हमने समूह ने इसलिए लिए है दीदी दो रुपया के मतलब आपसी ने हमने लेन देन कराई तो दो रूपया लगवा कि जो दीदी लेते पांच सौ या दो सौ तो ना लगे तो दीदी लेके पड़ा रहता है अगर लगा दिलिये तो दीदी के मतलब रहता है कि ना हम दस रुपया महीना ने सूद देवे पड़ता है तो देवे दीदी के जमा करवा ठीक है बता रहा है हाँ दीदी कर्ज लेना इसने बहुत आसान है और देना भी आसान है तो कैसे दीदी दीदी जो एक हजार रूपया ले है दीदी सोकरा ने मतलब किस बनावल जा है बीस किस बना देता है पचास पचास, पचास रुपया तो एक हजार के बीस रुपया सूद होबा है दीदी और अगर महीना ने दीदी लौटे तो पचास रुपया मूलधन और बीस रुपया ब्याज तो एक रुपया घाटल जेते दीदी हर महीना ने फिर महीना अत तो फिर पचास रुपया उन्नीस रुपया सूद तो का आसान है ना दीदी हाँ दीदी तो आसान है ये इस तरह तो परिवार के मदद ठीक कर सकते हैं देखे दीदी समूह ने जुटे से फिर ने जुटवा तो बहुत तरह से मतलब लाभ आई तो ए चार ऋण आई तो फोर सिक्योरिटी आई थे और समान ऋण आई थे सबे दीदी के भियो के दीदी के लाभ मिलता है हम हमरा समाज ने नहीं आया दीदी सब कहा होता है कि ना होता है ऐसे ए चार ए आता है दीदी ऋण जे बीमारी के लिए सिर्फ जैसे भियो बीमारी के पैसा वाई दीदी बीमारी के पैसा तबियत खराब दीदी दीदी के तबियत आता पहले एक कहो तबियत घर में तबियत खराब तो दीदी तब जता सीएम दीदी ठैई तो सीएम एम दीदी क्या कि दीदी से हमारा घर में इमरजेंसी हो दीदी, दीदी बहुत तकलीफी है दीदी से वो फॉर्म भर दा से भियों के दीदी ठैया जेब इमरजेंसी वाला पैसा आवा है से हम उनका से कुछ लेब दीदी कुछ सहारा हो जते दीदी काने देखा ये दीदी, से देखिए दीदी इतना इमरजेंसी हो कहाँ से देखिए पैसा है ये नहीं घर में महाजन मिलते नहीं तो कहाँ से देखिए दीदी तब सीएम दीदी फॉर्म भरता थी तो जताती थी भियो के दीदी जो तो भोयो के दीदी हल रहती समाज सुधार में दीदी थी, थी तीन गो तो दीदी के भेज तथी जाँच ला कि जहां तो दीदी उ सही बात सब वूहर के दीदी एलतीन हल कि झूठ फोकस में वाली पैसा पैसा लेवे दीदी जाचे जा ना आती दीदी तो जाँच के तुरहत जाते भीओ के दीदी तो भीय के दीदी कहती सही है कि मनो झूठो है तो दीदी मनो कुछ मन दस हज़ार के उन ज़रूरी है तो कुछ बनो हमें दस हजार के तो पैसा ना मिलती दी दीदी बाकी कुछ पाँच हजार भी तुरंत दीदी चार वाला पैसा दे देता दे थी बीमारी वाला पैसा तुरंत देता थी इलाज करावला हाँ तो ये तो बड़ा फायदा है दीदी हाँ तो डॉक्टर रिपोर्ट देखिए के जब तक मैंने तक लाभ जी मतलब दुई हज़ार दे देता दीदी फिर हम जैसे जरूरी पड़ता है ना दीदी तो फिर दू चार हजार दे सक हाँ दीदी मतलब राशन उसन लाव दीदी खरीद के न लाव दीदी हाँ दीदी खरीद के लावा ये तक कमा तो कमा देन लावा थी, ना कमा देन तो ना लावा हथीन दुकान से फिर लावा देन खिस्या हती हाँ दीदी समूह ने जुड़ जबा ना से अभी खाय के मतलब बते था कि बहुत दिक्कत है एक मतलब हल होना है भयो ने हाँ दीदी तई कैसे हो सकता एक मतलब भयो ने दीदी खास सुरक्षा मतलब फैंड आबा है जो दीदी के मतलब जरूरी होवा है दीदी जो भियो अनाज खरीद के लाके के दे दे है तो वो अंजा फ्री नहीं मिला है दीदी नहीं दीदी ये अन्ज फ्री नहीं मिलता है ये वाला तो जमा करना है दीदी जमा कर रहा है अगर ना फीस जमा करते है तो कोई दबाव ना फिन भी जमा करना है धीरे धीरे अगर दो किस्त भी जमा कर देवे तो फिन वो खरीदा के फिन मतलब मिलते मतलब की पंद्रह सौ रुपये के अगर लिए तो तीन महीना के अंदर ने आपस कर देंगे तो ठीक है अगर नहीं आपस करेंगे तो गरम मतलब दीदी नहीं दबाव करेगा और कुछ फायदा है दीदी हाँ दीदी एगो है, है मतलब कि जीवन बीमा है इसने कहा है दीदी मतलब जो साठ साल दीदी के नीचे है ओकरा बीमा होना हुआ है साल भर में सौ ने लगा है एक है दीदी कि जो मृत्यु होबा है तो तीस हजार रुपया मिला है यह खुद यहाँ मिल है दीदी गर्मी दीदी के जो डेट हो गया है घर ने तो तीस हजार रूपया मिले अगर स्टूडेंट हो जाता तो पचहत्तर हजार रुपया मिलते हैं। अगर कोई दीदी के एक आँख के फी अथी हो जाए मतलब टूट गया एक्सीडेंट हो गया तो फीस सैंतीस हजार रुपया मिला है एक ने आओ है दीदी कि जो आधा आँख मतलब टूट जा है या काट गया तो वह साढ़े सैंतीस हज़ार मिला है हाँ दीदी फायदा है समूह ने जुटने से फायदा है दीदी कि पहले तो बारह दीदी हले आज डेढ़ सौ दीदी है तो एकता ने मतलब बाल हाँ दीदी जुटवा